को देखा गया जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित कर 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह हुआ। भारत ने इसे आजादी की पहली लड़ाई कहा था, पर ब्रिटिश शासन ने इसे विद्रोह का नाम दिया क्योंकि इसकी शुरुआत सिपाही मंगल पांडे ने की थी। उन्होंने कलकत्ता के बैरकपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अफसर पर पहली गोली चलाई और बाकी सिपाहियों को भी ब्रिटिश अधिकारियों पर ऐसा करने को कहा। अंग्रेज सेना ने मंगल पांडे को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया और 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दी। आज भी रोंगटे खड़े कर दे ऐसे विचार के धनी थे मंगल पांडे। मंगल पांडे की शहादत बारूद की ढेर में पहली चिंगारी थी और ये चिंगारी ऐसी भड़की कि देखते ही देखते बगावत की आग में पूरा देश दहकने लगा। जिंद मेरी तेरे कुर्बान। ए वतन तेरे पैरों में तेरी ही आगोश में हमने दिल कुर्बान कर दिया। ऐ वतन तेरे पैरों में तेरी ही आगोश में हमने दिल कुर्बान कर दिया। वास्ते तेरे जान भी लुटा देंगे हम ऐ वतन, ये जन्म तेरे नाम कर दिया। इंकलाब का नारा सरयाम कर दिया। कतरा कतरा हमने वतन के नाम कर दिया। कतरा कतरा हमने वतन के नाम कर दिया। दुश्मनों से अब जंग का ऐलान कर दिया। दुश्मनों से अब जंग का ऐलान कर दिया। कतरा कतरा हमने वतन के नाम कर दिया। कतरा कतरा हमने वतन के नाम कर दिया। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। स्वतंत्रता संग्राम के नव मंडल पर एक अनोखे सूर्य का उदय हुआ। 24 दिन 240 मील की यात्रा एक वृद्ध फकीर हाथ में लाठी लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती देने के लिए निकल पड़े। इस अद्भुत दृश्य में ऐसा जादू था कि देश भर के लोगों का मन आंदोलित हो उठा। दांडी तट पर गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर ऐलान किया कि इस कदम से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाई जा रही है। उन्होंने नमक बनाकर कानून तोड़ दिया और इसके साथ ही देश भर में सत्याग्रह की जबरदस्त लहर चल पड़ी। देखते ही देखते मद्रास, कालीकट, असम, बंगाल, आंध्र प्रदेश और देश के दूसरे इलाकों में भी नमक यात्राएं शुरू हुई। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान नाने रे। 1926 में भगत सिंह ने मजदूरों और किसानों को अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता और आजादी के लिए लड़ने को प्रोत्साहित किया और उनके साथी सुखदेव और राजगुरु इन स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर नौजवान भारत सभा की शुरुआत और युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित। साथ ही 1930 के दशक में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी एवं महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन करके ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ते रहे। उनके द्वारा दिया गया नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बना। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सरहद पे चले, सरहद पे हमें आवाज लगानी है।
माथे पे तिलक जय हिंद लगावो मेरी निशानी है। सरहद पे चले सरहद पे हमें आवाज लगानी है, माथे पे तिलक जय हिंद लगावो मेरी निशानी है। सूरज की तरह आजादी की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। उन्होंने देश की जनता को एक महामंत्र दिया, करो या मरो, या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। इस आह्वान के कुछ घंटों बाद सरकार ने गांधी जी, नेहरू जी और अब्दुल कलाम आजाद सहित प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर, और तब दूसरे पंक्ति के स्थानीय नेताओं ने आंदोलन की कमान संभाली। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे, हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे, जीतेंगे सारे दावे सारे वादे जीतेंगे, जीतेंगे दिल के ये मजबूत इरादे जीतेंगे, जीतेंगे हर मंजर को हर मुश्किल को जीतेंगे, जीतेंगे सबकी नजरें सबके दिल को जीतेंगे। साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे, हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो। भारत छोड़ो आंदोलन एक निर्णायक बिंदु। इस आंदोलन में पूरा देश टूट पड़ा। पुलिस थानों, कचेरियों, रेलवे स्टेशनों और अंग्रेजी सत्ता के दूसरे प्रतीकों पर कब्जा कर उन पर तिरंगा फहराया जा रहा। अंग्रेजी अत्याचार के प्रतिघात में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में उन्हीं दिनों जापान, मले और भारत के मणिपुर में आजाद हिंद फौज के झंडे गाड़े और एक प्रखर सैन्य मुहिम जारी रही। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद आजाद हिंद फौज का विघटन हुआ और ये सपना यहीं रुका। अब भारत की स्वाधीनता का अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका था। आजादी के दीवाने अपने अथक सामूहिक संघर्ष और कुर्बानी की तड़कती लव में सदियों की गुलामी और शोषण की जंजीर पिघलाने की कगार पर ये क्षण आसमान के सीने पर तिरंगा फहरा देने का क्षण। देखनी है आजादी हर हाल में,
the midnight hour when the world sleeps. India will awake to life and freedom. तो इस प्रकार 15 अगस्त 1947 में हमारे भारत देश के स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान द्वारा भारत को आजादी मिली और तब से हम 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाते हैं। मैं नमन करता हूँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रविंद्रनाथ टैगोर, सुब्रमण्यम भारती, बिपिन चंद्र पाल, लाला लजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बंकिम चंद्र चटर्जी, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, वीर पुत्र भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, लक्ष्मी सहगल, सरोजिनी नायडू, प्रीति लता वड्डेदार और कस्तूरबा गांधी। हाथ थामे जब तिरंगा चले थे वीर सेनानी, लाठी खाई गोली खाई रुके कदम ना तूफानी, गुलामी की जंजीर टूटी, नमन स्वतंत्रता सेनानी, नमन स्वतंत्रता सेनानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे ये तूफानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे